दोस्तों आज मैं कुकर में बना रही हूँ पालक पनीर की सब्जी, बिल्कुल होटल ग्रेवी स्टाइल में बना रही हूँ। बहुत जल्दी इंस्टेंट ये सब्जी अब बनने वाली है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। पालक में थोड़ा सा, पालक को मैंने बहुत अच्छे से देख लिया, वॉश कर लिया, साथ में हरी धनिया भी इसमें मैंने रेशो में थोड़ी सी ली है। मतलब एक गड्डी पालक है तो कम से कम 100 ग्राम हरी धनिया भी है। खूब ठंड में आ रही है तो इसको ज़रूर यूज करिए। और इसमें इसको अच्छे से मैंने धो के कुकर में 2-3 सीटी लगा लिया और ठंडा होने पे मिक्सी में इसका पेस्ट बना के रख लिया। इधर मैंने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, जो भी हमारे पेस्ट होते हैं, मसाले जो डलते हैं ग्रेवी में, वो मैंने तेल गरम किया। हींग, मेथी, राई, जीरे, काश्मीरी मिर्च, लाल मिर्च, तेज़पत्ता, गरम मसाला, काश्मीरी मिर्च, हल्दी, धनिया, नमक, जितने भी हमारे मसाले रहते हैं मैंने ऐड कर दिया। और पनीर मैंने दोस्तों घर का बनाया है, घर का बना के इसको पानी में डुबा के रख दिया और इसको अभी तल लिया है, उसको भी पानी में डुबा के रख दिया। देखिए ये पनीर बहुत सॉफ्ट है और मैं इसको यहीं भूंज रही हूँ। ये हमारा पक गया है मसालों के साथ, इसको मैंने पालक को भी भूंज लिया है और यहाँ पे ये अच्छा उबाल मार रहा है। ये जो मैंने पनीर बनाया है इसमें मैं कर रही हूँ ऐड और मात्र एक सीटी लगाऊंगी। और पालक पनीर की सब्जी घर में होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा से भी अच्छी बन के खाने को तैयार। देखिए दोस्तों मस्त लग रही है, बहुत अच्छी स्टाइल है, यूनिक। कुकर में ही आप बनाइए, खूब सारा आप सब्जी इसमें बना सकते हैं। ग्रेवी कम ज़्यादा आपको जैसे रखना रखिए, मेरे यहाँ तो चावल से खाएंगे तो मैं तो इसमें रख रही हूँ।